आगामी 29 जून को मेरी मम्मी की 25वीं पुण्यतिथि है। वैसे तो 25 साल कैसे निकल गए समझा ही नहीं, मैं तो उनके बिना एक पल भी मेरे लिए निकालना बहुत टफ था। वो इस दुनिया से चल बचे और मुझे प्रेरणा दे गई कि बेटा वागड़ में हॉस्पिटल में अपने को तूने तेरी माँ तो खो दी, बट ऐसी बहुत सारी माए हैं इस धरती पे जिनके बच्चे तेरे जैसा अनाथ नहीं हो जाए। तब मैं उस काबिल भी नहीं था, बट वो माँ का आशीर्वाद था कि शायद मैं उसके जीते जी जो चीज नहीं उसको उपलब्ध हुई, उसके आशीर्वाद से आज ये इतना बड़ा हॉस्पिटल दिनबंधु भाई मुझे मिले और मेरा सपना उनको मिलके साकार हुआ। माँ तेरे जाने के बाद ये 25 साल कैसे निकले मुझे नहीं मालूम। मैं हमेशा तेरे द्वारा सिखाए हुए सही रास्ते पे चल के तूने मुझे ये बताया कि बेटा कहीं भी दुनिया में चले जाओ लेकिन इस वागड़ की माटी को मत भूलो, तो मैं लौट के ऐसा नहीं कहूंगा। मैं हमेशा तेरे जाने के बाद भी तेरे घर पे आता था, मेरा घर नहीं है, आपका घर है। मैं कभी इस वागड़ की मिट्टी को भुला नहीं पाया और इसीलिए मैंने तेरी याद में यह हॉस्पिटल बनाया। आज तुझे जाके 25 साल हो गए, जैसा मैंने बताया कि मेरे लिए तू एक मिनट भी मेरे से कभी दूर नहीं हुई। मैं हर टाइम बहुत इमोशनल हो जाता हूँ तुझे याद करके, शायद इस वीडियो में भी भावुक हो जाऊं। दुनिया के लिए तू चली गई है मेरे से, लेकिन मेरे लिए मेरे दिल में हमेशा है और रहेगी। मेरी अंतिम सांस तक मेरी माँ मेरे साथ। मैं आज भी मुझे कोई पूछता है तो कहता हूँ मेरे बच्चे हैं, फैमिली है, फिर भी मैं कहता हूँ मैं आज भी सबसे ज्यादा प्यार किससे करता हूँ, मेरी माँ से करता हूँ। बस इसी उपलक्ष में तेरी 25वीं पुण्यतिथि आ रही है तो मैंने वागड़ में फर्स्ट रजिस्ट्रेशन जो 25 मेरी माता है 60 साल के ऊपर की जो है वो कराएंगी, तो उनके लिए फ्री हेल्थ चेकअप। और मेरी माँ आप मुझे हमेशा कहती थी कि बेटा मुझे आंखों में कुछ तो भी होता है, मुझे नहीं समझता था उस टाइम कि आपकी आंखों में क्या होता है। आप भी 62 साल की उम्र में मुझे छोड़ के चले गई थी, लेकिन तब मैं भी बहुत छोटा था, एक 19 साल का बच्चा क्या समझता। आज मुझे समझ में आ रहा है। तो 125 जो भी उस दिन रजिस्ट्रेशन या उसके आगे पीछे रजिस्ट्रेशन कराएगा, मोतियाबिंदु के फ्री ऑपरेशंस हम जिला हॉस्पिटल द्वारा कराएंगे 29 जून को संपूर्ण वागड़ वासियों के लिए। पूरी ओपीडी हमारी फ्री है, हर एक आप जांच जो कराओगे, क्योंकि आपकी 25वीं पुण्यतिथि है तो उसके ऊपर 25% हम डिस्काउंट कर देंगे। पहले भी मैंने कहा है, मैं एक मेरे छोटे भाइयों और बहनों को भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि इस धरती पे माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता। जो चीज़ आपके आपके पास है उसकी हम वैल्यू नहीं करते, जो चली जाती है उसकी वैल्यू करते। जैसे कि मैंने आपको बताया 29 जून 1996 मैंने अपनी माँ को खोया, वैसे ही एग्जैक्टली 3 साल के बाद 8 जून 1999 में मैंने अपने पिताजी को भी खो दिया। आप समझ सकते हो कि 19 साल की उम्र में माँ को खोना और 22 साल की उम्र में पापा को खोने के बाद मैं 22 साल की उम्र से ही मेरे घर का मुखिया हूँ और जीवन में बहुत संघर्ष आए और बिना माँ बाप के ये संघर्ष को पार करना भी मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा टास्क था। आपको जब भी लगे आपके माँ बाप हैं, आप उनकी तहे दिल से सेवा करें, उनको बहुत टाइम दीजिए जितना हो सके। धरती पे एक माँ बाप ही ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए होता, वो हमेशा देते हैं। आप उनके पास बैठोगे तो संस्कार मिलेंगे, तो माँ बाप को आपसे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं भूपेंद्र भट्ट, श्री दिनबंधु जी त्रिवेदी, हमारी बेटी हेतल त्रिवेदी और श्री नरेंद्र जी पाटीदार, हम सब आपको हाथ जोड़ के थैंक्स कहते हैं कि जैसे हमने वागड़ में हॉस्पिटल खोला आपने उसको हाथों हाथ लिया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। 29 जून 2021 को आप अधिक से अधिक संख्या में
आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो लेके हॉस्पिटल आइए, आपको हर डॉक्टर का सही और बेस्ट परामर्श मिलेगा। धन्यवाद।